हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू झारखंड एजुकेशन हब। मैं हूं रितेश और आज है 3 जून। 3 जून से झारखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स बनेंगे उन्हें हम लोग देखने वाले हैं और झारखंड के करेंट अफेयर्स को हम लोग बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को। ये जो क्लास है, इस क्लास का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल पर सभी क्लासेस के आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे, अपडेट्स भी मिल जाएंगे और सभी क्लासेस के आपको लिंक भी वहां पे मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप लोगों को झारखंड की वैकेंसी से रिलेटेड डिटेल्स, नोटिफिकेशंस, अपडेट्स सभी चीजें आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग मस्ट ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप लोग चाहें तो आप लोग टेलीग्राम पे जाके झारखंड एजुकेशन हब ये सर्च करके भी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग मस्ट ज्वाइन कर ले। ये जो क्लास आप देख रहे हैं, ये क्लास रोज सुबह 5 बजे होती है, जिसमें हम लोग झारखंड के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स का डिस्कशन करते हैं। तो इस क्लास को आप लोग रेगुलर बेसिस पे अटेंड करें। इस क्लास को आप लोग लास्ट तक देखें और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है जिसका आप लोग कमेंट करके आंसर दें। और लास्ट में हम लोग झारखंड के प्रीवियस डेज के कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स का रिविजन भी करते हैं, तो इस क्लास को आप लोग लास्ट तक जरूर देखें। चलिए चलते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित झारखंड राज्य एरोबिक जिमनास्टिक चैंपियनशिप में किस जिले की टीम जो है वो विजेता बनी गई है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा रांची की टीम विजेता बनी है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड राज्य एरोबिक जिमनास्टिक चैंपियनशिप, इस प्रतियोगिता में रांची की टीम जो है वो विजेता बनी है। और ये प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो झारखंड के धनबाद जिले में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। चलिए आइए इसके बारे में जानते हैं। तो हाल ही में धनबाद में आयोजित झारखंड राज्य जिम्नास्टिक एसोसिएशन के द्वारा दूसरी झारखंड राज्य एरोबिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में रांची की टीम विजेता बनी है। अब देखिए यहाँ से कई पॉइंट सामने आते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आपसे किस तरह से बन सकता है। सबसे पहला, तो इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? इसका आयोजन जो है वो धनबाद में किया गया था, ये पहला पॉइंट आता है। दूसरा पॉइंट ये आता है कि इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो झारखंड राज्य जिम्नास्टिक एसोसिएशन के द्वारा इसका आयोजन किया गया था, दूसरा पॉइंट ये आ जाता है। तीसरा पॉइंट ये आता है कि कितनी भी थी ये, तो ये दूसरी झारखंड राज्य एरोबिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप थी, यानी सेकंड थी, दूसरी भी, तो ये तीसरा पॉइंट आता है। कौन सी टीम विजेता बनी है? तो रांची की टीम ये विजेता बनी है, चौथा पॉइंट ये आता है। तो चारों पॉइंट को आप लोग याद रखें। उसके बाद रांची की टीम जो है वो विजेता बन गई है, तो कितने पदक के साथ विजेता बनी है, यानी टोटल पदक रांची को कितने मिले हैं? टोटल पदक की अगर हम बात करें एंड टोटल मेडल की अगर हम लोग बात करें तो 24 मेडल रांची को प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 10 जो है गोल्ड मेडल है, 10 जो है सिल्वर मेडल है और 4 जो है ब्रॉन्ज, यानी 10 स्वर्ण पदक है, 10 रजत पदक है यानी सिल्वर पदक है और 4 जो है वो ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक शामिल है। रांची की टीम इसमें विजेता बनी है, तो इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखें। हमारा अगला पॉइंट बनता है कि धनबाद की जो टीम है, इसका आयोजन धनबाद में किया गया था, धनबाद की जो टीम है वो उप विजेता बनी है, यानी रनर अप टीम रही है। तो विजेता और उप विजेता दोनों को ही आप लोग याद रखें। विजेता की टीम रांची है और उप विजेता की टीम जो है वो धनबाद में, और धनबाद में इसका आयोजन किया गया था। धनबाद की टीम ने 5 गोल्ड, 6 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज समेत टोटल अगर हम लोग मेडल की बात करें तो 17, धनबाद की टीम ने टोटल 17 मेडल और रांची की टीम ने टोटल 24 मेडल को प्राप्त किया है। दोनों को आप लोग याद रखें। तो झारखंड राज्य जिम्नास्टिक चैंपियनशिप दूसरी, इसे आप लोग याद रखें पॉइंट को, इसका आयोजन जो है कहाँ पे किया गया था? तो इसका आयोजन जो है धनबाद में किया गया था। धनबाद की बात करें तो ये है मैप में धनबाद, और रांची की टीम इसमें विजेता बनी है, तो ये है मैप में रांची, और धनबाद में इसका आयोजन किया गया था। धनबाद की टीम जो है उप विजेता यानी रनर अप रही है। धनबाद में इसका आयोजन किया गया था, तो ये है मैप में धनबाद। धनबाद के बारे में हम लोग जानते हैं, धनबाद के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है, अब आप लोग धनबाद के बारे में डिटेल में सुनिए फिर से। धनबाद को जो है उसका स्थापना कब किया गया था, धनबाद का फॉर्मेशन कब किया गया था? तो 1956 यानी 1956 में धनबाद का फॉर्मेशन किया गया था। 1956 के पहले धनबाद को मानभूम के नाम से जाना जाता था, मानभूम से अलग करके 1956 में धनबाद का फॉर्मेशन किया गया था। ये तो पहला पॉइंट बन जाता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि धनबाद की जो है टोटल ब्लॉक कितने हैं? धनबाद में टोटल 10 ब्लॉक है, ये दूसरा क्वेश्चन बन गया। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या बनता है कि धनबाद कौन से डिविजन के अंतर्गत आता है? तो धनबाद नॉर्थ छोटानागपुर डिवीजन के अंतर्गत आता है। धनबाद की बात करें तो धनबाद को कोल कैपिटल ऑफ इंडिया यानी भारत की कोयला राजधानी के नाम से जाना जाता है। पूरे भारत में सबसे उच्च गुणवत्ता वाला कोयला और सबसे अधिक कोयला वो धनबाद में पाया जाता है। इतना पॉइंट आप लोग याद रखें।
अब हम लोग धनबाद की बात करें तो धनबाद का टोटल एरिया कितना है, धनबाद का टोटल एरिया है 2075 किलोमीटर स्क्वायर का। और अगर हम लोग सेक्स रेशियो की बात करें तो पूरे झारखंड में सबसे कम सेक्स रेशियो जो है वो धनबाद में ही पाई जाती है, इसका जो सेक्स रेशियो है वो 908 है। अगर हम लोग पॉपुलेशन की बात करें तो पूरे झारखंड में दूसरी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन धनबाद में पाई जाती है। और पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व की बात करें तो जनसंख्या घनत्व के मामले में पूरे झारखंड में पहले स्थान पर आता है धनबाद। अगर हम लोग जनसंख्या घनत्व के मामले में सबसे कम जनसंख्या घनत्व यानी सबसे आखिरी पोजीशन पे कौन सा जिला आता है तो वो है सिमडेगा, ये सबसे लास्ट में आता है, यानी यहाँ पे सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाई जाती है और धनबाद में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पाई जाती है। तो धनबाद के बारे में इतना हम लोग देख चुके हैं। यहाँ का सेक्स रेशियो पूरे झारखंड में सबसे कम है। लिटरेसी रेट की अगर हम लोग बात करें तो 75.71% यहाँ का लिटरेसी रेट है। और अगर हम लोग यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो 1300 यहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी है जो पूरे झारखंड में सबसे अधिक है। पॉपुलेशन की बात करें तो दूसरी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन धनबाद में पाई जाती है। धनबाद में अगर हम लोग सब डिविजन यानी अनुमंडल की बात करें, धनबाद में एक ही अनुमंडल है जिसे हम लोग धनबाद अनुमंडल यानी धनबाद सब डिविजन के नाम से जानते हैं। पहले ही बात कर चुके हैं धनबाद में टोटल ब्लॉक है 10, सर्कल भी 10 है। और गाँव की अगर बात करें तो 1209 गाँव है धनबाद में। ये धनबाद के टोटल 10 ब्लॉक है, इन्हें आप लोग याद रखें। और ये 10 ब्लॉक के पोजीशन है तो पोजीशन को भी आप लोग याद रखें। तो धनबाद से जुड़ी सभी चीजें हम लोग देख चुके हैं। इस प्रतियोगिता में रांची की टीम विजेता बनी है और धनबाद की टीम उप विजेता बनी है। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था तो इसका आयोजन धनबाद में किया गया था। रांची की टीम को 24 पदक मिले हैं और धनबाद की टीम को 17 पदक मिले हैं। तो सभी चीजों को आप लोग याद रखें। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। उससे पहले हमारा अगला क्वेश्चन देखने से पहले आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को जो है वो जरूर प्रेस कर दे ताकि हमारे आने वाला लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वीडियो को भी एक लाइक जरूर कर दे। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के किस जिले के शहीद कुलदीप उरांव को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। तो कुलदीप उरांव की बात करें तो शहीद कुलदीप उरांव राज्य के कौन से जिले के रहने वाले हैं, ये राज्य के साहिबगंज जिले के रहने वाले हैं, यानी ऑप्शन सी इसका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुलदीप उरांव ये है और इन्हें अभी शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है, ये शहीद हो गए हैं और ये साहिबगंज के रहने वाले हैं। चलिए आइए इनके बारे में जानते हैं। तो हाल ही में गोड्डा जिले के शहीद कुलदीप उरांव को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है और यह सम्मान इन्हें किसके द्वारा दिया गया है, तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा ये सम्मान इन्हें दिया गया है। कौन से सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया है, शौर्य चक्र से इन्हें सम्मानित किया गया है। शौर्य चक्र की अगर हम लोग बात करें तो ये है शौर्य चक्र, आप इस मेडल को देख सकते हैं, इनसे अभी इसे सम्मानित किया गया है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो इन्हें यह सम्मान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा दिया गया है। कुलदीप उरांव 2021 में जम्मू कश्मीर में इनका पोस्टिंग था और ये एक सीआरपीएफ के जवान थे और सीआरपीएफ के जवान होने के साथ में ये आतंकियों के साथ युद्ध कर रहे थे जिसमें ये शहीद हो गए हैं। तो कुलदीप उरांव की बात करें, यह है कुलदीप उरांव और मरणोपरांत शौर्य चक्र से इन्हें सम्मानित किया गया है। इन्हें आप लोग याद रखें, इन्हें कोटि कोटि नमन है, ये हमारे लिए शहीद हो गए हैं और झारखंड के ये बहुत बड़े वीर हैं शहीद कुलदीप उरांव, इन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये झारखंड के साहिबगंज के रहने वाले हैं और ये हमारे वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, इनके द्वारा ही इनके पत्नी को ये सम्मान दिया गया है। साहिबगंज की बात करें तो यह है मैप में साहिबगंज। साहिबगंज तो साहिबगंज का फॉर्मेशन कब किया गया था, साहिबगंज का जो फॉर्मेशन है वो कब किया गया था, तो 1983 यानी 1983 में साहिबगंज का फॉर्मेशन किया गया था। साहिबगंज में अगर हम लोग वर्तमान में ब्लॉक की बात करें तो यहाँ पे टोटल 9 ब्लॉक है। साहिबगंज अपनी बाउंड्री जो है वो दो राज्यों के साथ शेयर करता है, किसके किसके साथ, तो ये बिहार के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है और वेस्ट बंगाल के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। हम लोग धनबाद के बारे में बात किए तो धनबाद के बारे में ये पॉइंट बोलना भूल गए कि धनबाद जो है वो वेस्ट बंगाल के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। उसी तरीके से साहिबगंज जो है वो बिहार और बंगाल दो राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। देखिए दो राज्यों के साथ ये है दुमका, और दुमका हमारे झारखंड की उपराजधानी है, तो दुमका भी दो राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, बिहार के साथ और वेस्ट बंगाल के साथ। अगर आप लोगों को झारखंड के सभी जिलों के बारे में जानना है तो झारखंड के सब डिविजन पे जो वीडियो है आप वो देख लें, झारखंड के सभी जिलों के बारे में आपको क्लियर वहां पे बताया गया है। साहिबगंज की बात करें तो साहिबगंज में टोटल 9 ब्लॉक है, 1983 यानी 1983 में इसका फॉर्मेशन किया गया था और ये दो राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। साथ ही साथ झारखंड के दो जिले पाकुड़ और गोड्डा के साथ भी ये अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। अगर हम लोग साहिबगंज के टोटल एरिया की बात करें तो 2063 किलोमीटर स्क्वायर का इसका टोटल एरिया है और डिविजन की अगर हम लोग बात करें
संथाल परगना डिवीजन के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, इतना हम लोग देख चुके हैं। सेक्स रेशियो की बात करें तो 948, यानी लिंगानुपात की बात करें 948, और लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर की बात करें तो 53.73% यहाँ का लिटरेसी रेट है, और 560 जो है यहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो इसे आप लोग याद रखें। साहिबगंज में अगर हम लोग सब डिविजन की बात करें तो साहिबगंज में टोटल 9 ब्लॉक है, और 9 ब्लॉक को, इन्हीं 9 ब्लॉक को दो सब डिविजन यानी दो अनुमंडल में डिवाइड किया गया है। पहला सब डिविजन है साहिबगंज सब डिविजन, और दूसरा सब डिविजन है राजमहल सब डिविजन। अगर हम लोग साहिबगंज सब डिविजन की बात करें तो इसमें 4 ब्लॉक को रखा गया है, और राजमहल सब डिविजन की बात करें यानी राजमहल अनुमंडल की बात करें तो इसमें 5 ब्लॉक को रखा गया है। 4 + 5 की बात करें तो टोटल यहाँ पे 9 ब्लॉक है। तो इन्हें आप लोग याद रखें, इन 9 ब्लॉक को, और ये है साहिबगंज के टोटल 9 ब्लॉक के पोजिशन। तो पोजिशन को भी आप लोग जरूर याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिले की सौम्या को मिस इंटरनेशनल क्वीन दुबई 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये कहाँ के रहने वाली है? ये जो है रांची की रहने वाली है। कौन? मिस सौम्या। इन्हें अभी मिस इंटरनेशनल क्वीन दुबई 2022 से सम्मानित किया गया है। बहुत बड़ी उपलब्धि है ये, झारखंड के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये कहाँ की रहने वाली है? तो झारखंड की राजधानी रांची की ये रहने वाली है। इनके बारे में आइए जानते हैं, और इनको भी हम लोग देखेंगे। तो हाल ही में रांची जिले की रहने वाली है सौम्या सिन्हा। इन्हें अभी मिस इंटरनेशनल क्वीन दुबई 2022 से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान इन्हें दुबई में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट में दिया गया है। तो मिस इंटरनेशनल क्वीन दुबई किन्हें सम्मानित किया गया है? तो सौम्या सिन्हा। ये कहाँ की रहने वाली है? तो झारखंड के, ये रांची की रहने वाली है। ये आप देख सकते हैं, ये है सौम्या सिन्हा, और इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सौम्या सिन्हा आप ये देख सकते हैं, ये बीच मिडिल में आप जो आपको दिख रही है, ये है सौम्या सिन्हा। रांची की बात करें तो ये रांची की रहने वाली है, और रांची जो है वो झारखंड की राजधानी है यानी कैपिटल है। रांची झारखंड की राजधानी है। तो राजधानी से रिलेटेड कुछ टर्म देखते हैं, उसके बारे में हम लोग, उसके बाद हम लोग रांची के बारे में भी जानेंगे। अगर हम लोग झारखंड की राजधानी की बात करें तो वो तो रांची है, आप सभी को पता होगा। झारखंड की उपराजधानी की बात करें यानी सब कैपिटल की बात करें तो वो है दुमका, और मैप में ये है दुमका। इतनी चीजें आप लोगों को पता होगा। आइए एक्स्ट्रा चीजें हम लोग देखते हैं। झारखंड की फाइनेंस कैपिटल यानी वित्तीय राजधानी की बात करें तो जमशेदपुर को झारखंड की फाइनेंस कैपिटल के नाम से जाना जाता है। झारखंड की इंडस्ट्रियल कैपिटल यानी औद्योगिक राजधानी की बात करें तो जमशेदपुर को ही झारखंड की औद्योगिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। झारखंड की रिलीजियस कैपिटल यानी धार्मिक राजधानी की बात करें तो ये है मैप में आपको देवघर दिख रहा होगा, देवघर को झारखंड की रिलीजियस कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम लोग झारखंड की, सॉरी, भारत की कोल कैपिटल की बात करें तो धनबाद ये है। धनबाद को भारत की कोल कैपिटल के नाम से जाना जाता है। और ये है मैप में कोडरमा। कोडरमा को भारत की अभ्रक राजधानी यानी माइका कैपिटल ऑफ इंडिया इस नाम से जाना जाता है। रांची की हम लोग बात कर रहे थे तो रांची का फॉर्मेशन कब किया गया था? 1899 यानी 1899 में रांची का फॉर्मेशन किया गया था। रांची में टोटल ब्लॉक की बात करें तो रांची में टोटल 18 ब्लॉक है। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करके आंसर दे कि पूरे झारखंड में सबसे अधिक जो है ब्लॉक यानी प्रखंड कहाँ पे पाई जाती है। तो पूरे झारखंड में सबसे अधिक ब्लॉक कौन से जिले में पाई जाती है, आज के लिए आप लोगों का क्वेश्चन है। तो इसका आप लोग आंसर जरूर दें। आइए रांची के बारे में जानते हैं। तो रांची का फॉर्मेशन क्या गया था 1899 में, और रांची में टोटल 18 ब्लॉक है। रांची अपनी बाउंड्री किसके किसके साथ शेयर करता है? तो ये राज्य की बात करें तो ये वेस्ट बंगाल के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। जिलों की बात करें तो ये रामगढ़, ये है हजारीबाग, ये है चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, और ये है सरायकेला खरसावा। यानी टोटल 8 जिलों के साथ ये अपनी बाउंड्री को शेयर करती है, और वेस्ट बंगाल के साथ ये अपनी बाउंड्री को शेयर करती है। रांची के अगर टोटल एरिया की बात करें तो 5097 किलोमीटर स्क्वायर का इसका टोटल एरिया है। 1899 में इसका फॉर्मेशन किया गया था। और सब डिविजन की बात करें तो यहाँ पे दो सब डिविजन है, रांची और बुंदू। और अगर हम लोग डिविजन की बात करें तो ये साउथ छोटानागपुर डिविजन के अंतर्गत आता है, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो रांची में ही स्थित है। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो 572 पॉपुलेशन डेंसिटी है। और अगर हम लोग पॉपुलेशन की बात करें तो पूरे झारखंड में सबसे अधिक पॉपुलेशन जो है वो रांची में पाई जाती है, और दूसरी सबसे अधिक पॉपुलेशन वो धनबाद में पाई जाती है। इसके बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं। अधिक पॉपुलेशन कहाँ पाई जाती है? तो रांची में पाई जाती है। रांची में लिटरेसी रेट जो है वो पूरे झारखंड में सबसे अधिक पाई जाती है, यानी साक्षरता दर जो है वो पूरे झारखंड में सबसे अधिक पाई जाती है। रांची में सब डिविजन के बारे में बात करें तो हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, दो सब डिविजन है रांची और बुंदू, और टोटल 18 ब्लॉक है। इसके बारे में भी हम लोग पहले बात कर चुके हैं। रांची में टोटल 18 ब्लॉक है। तो ये है टोटल 18 ब्लॉक की पोजीशन, इसको भी आप लोग जरूर याद रखें। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शिशु मृत्यु दर में पूरे भारत में झारखंड की जो स्थिति है वो क्या है? तो पूरे भारत में झारखंड की जो स्थिति है वो 9वीं है, यानी झारखंड की स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं है।
ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पूरे भारत में आज सबसे बदतर स्थिति में कौन सा राज्य है, तो पूरे भारत में सबसे बदतर स्थिति में मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक शिशुओं की मृत्यु हो जाती है, यानी शिशु मृत्यु दर में सबसे पहले स्थान पर कौन है, तो सबसे पहले स्थान पर जो है वो मध्य प्रदेश है। आइए इसके बारे में जानते हैं, हमारा झारखंड 9वें पोजिशन पे आता है। शिशु मृत्यु दर में पूरे भारत में झारखंड की जो स्थिति है वो 9वीं है। शिशु मृत्यु दर के मामले में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, यानी मध्य प्रदेश में सबसे अधिक शिशुओं की मृत्यु होती है। झारखंड का आप लोग याद रखें, झारखंड में जो शिशु मृत्यु दर है वो 25 से 1000 शिशुओं पर, यानी 1000 बच्चों के जन्म पर 25 बच्चों की जो है वो मौत हो जाती है। जो नए जन्म मतलब जिनका जन्म होता है उन्हें हम लोग शिशु कहते हैं, तो 1000 शिशुओं के जन्म पर 25 शिशुओं की मौत हो जाती है झारखंड में। झारखंड का जो पोजिशन है वो 9वां है और झारखंड में 25 है। मध्य प्रदेश में ये सबसे अधिक है, कितना है तो 43 है, यानी 43 है मध्य प्रदेश में। और झारखंड का आप लोग याद रखें, मध्य प्रदेश का आप लोग याद रखें, क्योंकि मध्य प्रदेश सबसे अधिक है पहले पोजीशन पर आता है और झारखंड में 25 है, तो झारखंड का पोजीशन भी सबसे अच्छा नहीं है, इसे और अच्छा किया जा सकता है। ठीक है, तो 1000 की स्थिति पर ये बताई गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मध्य प्रदेश जो है वो पहले स्थान पर है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, ओडिशा, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, और ये है हमारा झारखंड। हमारा झारखंड का कितना है तो आप यहाँ देख सकते हैं, झारखंड का 25 है और मध्य प्रदेश का यहाँ 43 है। तो आंकड़ों को आप लोग क्या करें, एक कॉपी लें और एक पेन लें और आप लोग इन डिजिट को लिखें कि कौन से राज्य का कितना है। ये जो है 1000 की स्थिति पर यहाँ पे बताई गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो पूरे भारत में सबसे अधिक शिशुओं की मृत्यु कहाँ पे होती है, वो जो है मध्य प्रदेश में होती है। और झारखंड की स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं है, 9वें पोजिशन पर आता है, सही है, लेकिन 25 से थोड़ा और कम किया जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कब विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया, तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 31 मई। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया, यानी वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया गया है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 31 मई को विश्व निषेध तंबाकू दिवस मनाया गया, ये हर साल 31 मई को मनाया जाता है और WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के द्वारा ये मनाया जाता है, तो इसे आप लोग याद रखें, 31 मई को ये मनाया जाता है। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के हेमा कुमारी को राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन के खिताब से नवाजा गया था, यानी ये क्वेश्चन आपसे पिछले वीडियो में पूछा गया था, सॉरी। तो इसका सही आंसर है झारखंड, झारखंड की रहने वाली है हेमा कुमारी। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में देश में सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, और ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था, तो इसका सही आंसर होगा नरेंद्र मोदी, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था। तो आपसे आज एक क्वेश्चन पूछा गया है, उसका आप लोग आंसर दे कमेंट करके, आपके लिए आज क्वेश्चन लाया नहीं गया है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि पूरे झारखंड में सबसे अधिक जो है ब्लॉक कौन से जिले में पाई जाती है, यानी प्रखंड जो है कौन से जिले में पाई जाती है, किस जिले में पाई जाती है, तो इसका आप लोग आंसर जरूर दे, ये आपके लिए आज का क्वेश्चन लाया नहीं गया है। चलिए झारखंड के प्रीवियस डेज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राज्य के किस जिले में 3 दिवसीय साइंस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लोहरदगा जिले में साइंस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया था, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में पंचायती राज दिवस की बात करें, ये कब मनाया गया है, तो पंचायती राज दिवस जो है वो 24 अप्रैल को मनाया गया, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में झारखंड के किस विश्वविद्यालय की टीम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है, तो रांची विश्वविद्यालय यानी रांची यूनिवर्सिटी की टीम जो है वो पहुंच गई, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में झारखंड के कितने खिलाड़ियों का चयन भारतीय महिला फुटबॉल टीम के लिए किया गया है, तो भारतीय महिला फुटबॉल टीम के लिए झारखंड के 7 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। हाल ही में विश्व कप तीरंदाजी में झारखंड की पुरुष टीम ने कौन सा पदक प्राप्त किया है, तो झारखंड की पुरुष टीम ने ये स्वर्ण पदक को प्राप्त कर लिया, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।